दोस्तों, क्या आप जानते हैं चांद हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी के नजदीक दिखने वाला यह चांद हमसे 384,000 किलोमीटर दूर है। चांद पर सबसे पहले मनुष्य ने 20 जुलाई 1970 को अपना पहला कदम रखा था और हमने ये साबित कर दिखाया था कि अब हम केवल एक दुनिया तक ही सीमित नहीं है। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रांग था। वैज्ञानिकों ने चांद की खोज और इसके बारे में जानकारी हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर दोस्तों, आपके दिमाग में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि चंद्रमा की दुनिया कैसी है? क्या चांद पर इंसान जिंदा रह सकता है? क्या वहाँ पर आने वाले टाइम में जीवन संभव हो सकता है? आखिर वह कौन सी वजह है जो वैज्ञानिक चांद पर नहीं जा रहे? तो चलिए दोस्तों, आज चांद के बारे में आपके दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं उनका बड़े ही सटीक तरीके से जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। हम आपको यहां पर ऐसे ऐसे रहस्य से परिचय कराते हैं जो दुनिया में शायद कम ही लोगों को पता होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम चांद की उत्पत्ति से शुरुआत करते हैं। आखिर पृथ्वी के पास चांद कहां से आया था? समय था आज से करीब 4.5 अरब साल पहले का। उस वक्त पृथ्वी को बने काफी टाइम नहीं हुआ था। तब हमारी पृथ्वी के साथ ऐसी घटना घटी जिसने काफी हद तक पृथ्वी को बदल कर रख दिया। उस समय अंतरिक्ष का एक हमलावर पृथ्वी को खत्म करने की फिराक में था। उसका आकार मंगल ग्रह जितना था और वो 15 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। इतनी तेज रफ्तार के साथ थेया नाम का एक उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा जाता है। इस पिंड के टक्कर की वजह से हल्के पदार्थों से बने टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए। बाद में ग्रेविटी की मदद से इकट्ठा होकर उन्होंने एक पिंड का निर्माण किया और वो पिंड कोई और नहीं बल्कि हमारा चांद था। तो दोस्तों, कुछ इस तरह हमारा चांद पृथ्वी के पास आया। चांद का व्यास 34 से 74 किलोमीटर है और यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। धरती की तुलना से चांद का आकार 27% है, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर तकरीबन 9 चांद आराम से समा सकते हैं। अब आ जाते हैं चंद्रमा की जमीन पर। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको उसकी जमीन उबड़ खाबड़ नजर आएगी और चांद की जमीन काफी क्रेटर यानी गड्ढों से भरी है। दोस्तों, चांद की जमीन को सबसे पहले 1959 में टच किया गया था। 13 सितंबर 1959 को सोवियत संघ ने मून मिशन लूना 2 ने पहली बार कोई मानव निर्मित यंत्र चांद की जमीन पर भेजा था। इसके बाद अमेरिका का अपोलो 11 ऐसा पहला मून मिशन था जिसमें एस्ट्रोनॉट समेत स्पेस क्राफ्ट ने चांद की जमीन पर कदम रखा। तारीख थी 20 जुलाई 1970। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांग थी। इसके बाद कई मानव मिशनों को अंजाम दिया गया। दिसंबर 1970 के बाद चांद पर कोई भी इंसान नहीं गया है। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी अपने अक्ष पर साफ साफ घूमती नजर आएगी। लेकिन आसमान में इसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेगी, अर्थात पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी कि चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। पृथ्वी पर हमारा वजन 60 किलो है तो चांद की सरफेस पर हमारा वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। इसी कारण नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर चल रहे थे तो उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों के छाप आज भी मौजूद है, क्योंकि वहाँ कोई हवा न होने की वजह से वे निशान मिटते नहीं है। इसके साथ साथ चांद की जमीन पर कई सारे बैग्स पड़े हैं जो कि चांद पर गए अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे, जिनमें उनके मलमूत्र और उल्टियां हैं। जब अंतरिक्ष यात्री का यान चांद की जमीन से उतरकर वापस आ रहा था तो वह अपने साथ चांद की जमीन से कुल मिलाकर 296 चट्टानों के टुकड़े साथ लेकर आए थे, जो वजन में लगभग 382 किलो वजनी थे, ताकि भविष्य में इन पर शोध करके चांद के बारे में और भी ज्यादा गहराई से जान सके। अब बात कर लेते हैं चांद पर दिन और रात की। चांद को पृथ्वी का चक्कर लगाने में करीब 27.3 दिन लगते हैं और इसे अपने अक्ष पर घूमने पर भी इतना ही समय लगता है। यही वजह है कि चांद पर एक बार हमें एक ही हिस्सा नजर आता है। लिहाजा चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत ज्यादा असर होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में लगभग 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थिति भी अलग अलग होती है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल सबसे ज्यादा ठंडा होता है। रात में तो वहाँ इतनी ठंड होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही वहाँ हालात में जी पाए। बस्तियाँ बनाने की तो बात बहुत दूर है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद में साउथ पोल के तापमान दिन में भी ज्यादा नहीं होता,
लेकिन रात में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। समय गुजरने के साथ यह गिर जाता है, हर ओर बर्फ जमने लगती है, ठंडे अधड़ चलते हैं। ये इस क्षेत्र में रहने की स्थिति को और भी भयानक बना देते हैं। इन्हीं भयानक स्थितियों के चलते चांद पर अब तक जितने भी मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाके में गए हैं। रात में जो चांद हमें चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद की खुद की रोशनी नहीं है। ये जो आपको चांद पर रोशनी नजर आती है वो सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन है। यानी कि हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी भी नजर नहीं आएगा। चांद पृथ्वी की तरफ घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा पृथ्वी से आज तक किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा है। मगर अंतरिक्ष यानों की सहायता से चांद के दूसरे हिस्से की तस्वीर हमने कैप्चर कर ली है। दोस्तों, चांद पर मौसम नहीं पाए जाते क्योंकि परिक्रमा के वक्त चांद अपनी दूरी पर 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक झुकी होती है। इस वजह से दो बातें होती हैं, एक तो चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलते और दूसरी बात ये कि चांद के ध्रुव पर कई ऐसे इलाके हैं जहां कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की मौजूदगी न होने से वहां उल्कापिंड जैसे खतरे का बहुत ज्यादा डर बना रहता है। सूर्य के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट है तो वो है चांद। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो वो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा से देखने पर ऐसा नहीं होता। वहां से आसमान हमें ब्लैक नजर आता है। पृथ्वी पर समुद्र में ज्वारभाटा भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आते हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अगर चंद्रमा गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन मात्र 6 घंटे का रह जाएगा। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता है और सूर्य और पृथ्वी के बीच होकर से गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, तब उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, चांद पर पानी को भारत ने ही खोज निकाला था। भारत के कई वैज्ञानिकों ने कहा था कि चांद पर पानी मौजूद है, मगर किसी ने भी नहीं खोजा। दोस्तों, अगर जो आप अब वीडियो देख रहे हैं और वो अटक अटक कर चल रही है तो आप चांद पर जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है, जो कि 19 Mbps तक की इंटरनेट स्पीड देती है। पृथ्वी से जो गोल चांद दिखाई देता है असल में वो गोल नहीं है बल्कि अंडाकार का है। चांद हमारी धरती से हर साल 1.5 सेंटीमीटर दूर खिसकता जा रहा है। इसका पता तब चला जब वैज्ञानिकों ने इस पर 18 इंच की एक परावर्त चादर लगाई गई, जिस पर लेजर होकर वापस आने पर वैज्ञानिकों के सामने ये नतीजा निकला। और इस तरह 5 अरब साल बाद चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 47 दिन लगेंगे। पृथ्वी से देखने पर जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं असल में वो काले धब्बे नहीं है बल्कि गड्ढे और क्रिएटर है, जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचने की वजह से वो धब्बे नजर आते हैं। क्या हम इंसान एक बार फिर से चांद की दुनिया पर कदम रख पाएंगे? इस बात का जवाब मुझे हाँ देने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि ये तो भविष्य की बात है। 1950 के दशक में कौन जानता था कि हम अगले 20 सालों के अंदर ही चांद पर कदम रखेंगे। वैज्ञानिकों की नजरिए से देखा जाए तो चांद बड़ा ही मनमोहक और दिलचस्प है। वैसे तो हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि अरबों साल पहले कुदरती उथल पुथल से धरती से जो चट्टाने टुकड़े निकले थे उन्हीं से चांद बना है, और इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है कि चांद पर जाना बहुत खर्चीला है। अनुमानित लागत लगभग 35 अरब डॉलर है। वैसे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इंसान वहां जाने के बाद वहीं मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करने लगेगा, तो लंबे समय में पैसों की बचत भी होगी। हमें इस बात का पता है कि चांद पर बड़ी मात्रा में बर्फीला पानी है और चट्टानों में ऑक्सीजन कैद है, इसलिए चांद के भावी नागरिकों के लिए हवा और पानी की जरूरतें पूरी की जा सकती है। मगर दोस्तों, इस बात को पक्की पुष्टि के साथ नहीं कहा जा सकता। चांद पर जाने की अन्य वजह यह है कि वहां हीलियम से बड़ी सस्ती ऊर्जा के दोहन की क्षमता है। इसके साथ पर्यटन की संभावना तो है ही। सूर्य का चक्कर लगाते हुए मंगल और पृथ्वी के बीच अरबों उल्कापिंड घूम रहे हैं। कई ऐसी चट्टानें चक्कर लगा रही हैं जिनका आकार फुटबॉल के बराबर है और इससे कई गुना ज्यादा बड़ा भी। इसमें ज्यादातर चट्टानों में पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कई तरह के मूल्यवान धातु मौजूद है। उल्कापिंडों से काम की चीज कैसे निकाली जाए, इस पर अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस पर अध्ययन कर रही है। दोस्तों, बस्तियां बनाने के लिए हम चांद पर ही क्यों जाएं? क्योंकि हम पहले भी चांद पर 6 बार जा चुके हैं। अपोलो 17 मिशन सबसे अधिक 3 दिनों तक चांद पर मौजूद था। यहाँ की 3.8 करोड़ वर्ग जमीन है जहाँ पर इमारतें बनाई जा सकती है। वैसे दोस्तों, आज के टाइम में
इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप इस बात से क्या सोचते हैं? क्या हम भविष्य में कभी चांद पर बस्तियां बना पाएंगे, या चांद से पहले हम किसी और अन्य ग्रह पर जीवन पैदा करने में सफल हो जाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चांद हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी के नजदीक दिखने वाला यह चांद हमसे 384,000 किलोमीटर दूर है। चांद पर सबसे पहले मनुष्य ने 20 जुलाई 1970 को अपना पहला कदम रखा था, और हमने ये साबित कर दिखाया था कि अब हम केवल एक दुनिया तक ही सीमित नहीं है। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रांग था। वैज्ञानिकों ने चांद की खोज और इसके बारे में जानकारी हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर दोस्तों, आपके दिमाग में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि चंद्रमा की दुनिया कैसी है? क्या चांद पर इंसान जिंदा रह सकता है? क्या वहां पर आने वाले टाइम में जीवन संभव हो सकता है? आखिर वह कौन सी वजह है जो वैज्ञानिक चांद पर नहीं जा रहे? तो चलिए दोस्तों, आज चांद के बारे में आपके दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं उनका बड़े ही सटीक तरीके से जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। हम आपको यहां पर ऐसे ऐसे रहस्य से परिचय कराते हैं जो दुनिया में शायद कम ही लोगों को पता होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चांद की उत्पत्ति से शुरुआत करते हैं। आखिर पृथ्वी के पास चांद कहां से आया था? समय था आज से करीब 4.5 अरब साल पहले का। उस वक्त पृथ्वी को बने काफी टाइम नहीं हुआ था। तब हमारी पृथ्वी के साथ ऐसी घटना घटी जिसने काफी हद तक पृथ्वी को बदल कर रख दिया। उस समय अंतरिक्ष का एक हमलावर पृथ्वी को खत्म करने की फिराक में था। उसका आकार मंगल ग्रह जितना था और वो 15 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। इतनी तेज रफ्तार के साथ थेया नाम का एक उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा जाता है। इस पिंड के टक्कर की वजह से हल्के पदार्थों से बने टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए। बाद में ग्रेविटी की मदद से इकट्ठा होकर उन्होंने एक पिंड का निर्माण किया, और वो पिंड कोई और नहीं बल्कि हमारा चांद था। तो दोस्तों, कुछ इस तरह हमारा चांद पृथ्वी के पास आया। चांद का व्यास 34 से 74 किलोमीटर है और यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। धरती की तुलना से चांद का आकार 27% है, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर तकरीबन 9 चांद आराम से समा सकते हैं। अब आ जाते हैं चंद्रमा की जमीन पर। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको उसकी जमीन उबड़ खाबड़ नजर आएगी, और चांद की जमीन काफी क्रेटर यानी गड्ढों से भरी है। दोस्तों, चांद की जमीन को सबसे पहले 1959 में टच किया गया था। 13 सितंबर 1959 को सोवियत संघ ने मून मिशन लूना 2 ने पहली बार कोई मानव निर्मित यंत्र चांद की जमीन पर भेजा था। इसके बाद अमेरिका का अपोलो 11 ऐसा पहला मून मिशन था जिसमें एस्ट्रोनॉट समेत स्पेस क्राफ्ट ने चांद की जमीन पर कदम रखा। तारीख थी 20 जुलाई 1970। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांग थी। इसके बाद कई मानव मिशनों को अंजाम दिया गया। दिसंबर 1970 के बाद चांद पर कोई भी इंसान नहीं गया है। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी अपने अक्ष पर साफ साफ घूमती नजर आएगी। लेकिन आसमान में इसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेगी, अर्थात पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी कि चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। पृथ्वी पर हमारा वजन 60 किलो है तो चांद की सरफेस पर हमारा वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। इसी कारण नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर चल रहे थे तो उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों के छाप आज भी मौजूद है, क्योंकि वहां कोई हवा न होने की वजह से वे निशान मिटते नहीं है। इसके साथ साथ चांद की जमीन पर कई सारे बैग्स पड़े हैं जो कि चांद पर गए अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे, जिनमें उनके मलमूत्र और उल्टियां हैं। जब अंतरिक्ष यात्री का यान चांद की जमीन से उतरकर वापस आ रहा था तो वह अपने साथ चांद की जमीन से कुल मिलाकर 296 चट्टानों के टुकड़े साथ लेकर आए थे, जो वजन में लगभग 382 किलो वजनी थे, ताकि भविष्य में इन पर शोध करके चांद के बारे में और भी ज्यादा गहराई से जान सके। अब बात कर लेते हैं चांद पर दिन और रात की। चांद को पृथ्वी का चक्कर लगाने में करीब 27.3 दिन लगते हैं, और इसे अपने अक्ष पर घूमने पर भी इतना ही समय लगता है। यही वजह है कि चांद पर एक बार हमें एक ही हिस्सा नजर आता है। लिहाजा चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर
रात और दिन का बहुत ज्यादा असर होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में लगभग 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थिति भी अलग अलग होती है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल सबसे ज्यादा ठंडा होता है। रात में तो वहाँ इतनी ठंड होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही वहाँ हालात में जी पाए। बस्तियाँ बनाने की तो बात बहुत दूर है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद में साउथ पोल के तापमान दिन में भी ज्यादा नहीं होता, लेकिन रात में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। समय गुजरने के साथ यह गिर जाता है, हर ओर बर्फ जमने लगती है, ठंडे अधड़ चलते हैं। ये इस क्षेत्र में रहने की स्थिति को और भी भयानक बना देते हैं। इन्हीं भयानक स्थितियों के चलते चांद पर अब तक जितने भी मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाके में गए हैं। रात में जो चांद हमें चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद की खुद की रोशनी नहीं है। ये जो आपको चांद पर रोशनी नजर आती है वो सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन है। यानी कि हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी भी नजर नहीं आएगा। चांद पृथ्वी की तरफ घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा पृथ्वी से आज तक किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा है। मगर अंतरिक्ष यानों की सहायता से चांद के दूसरे हिस्से की तस्वीर हमने कैप्चर कर ली है। दोस्तों, चांद पर मौसम नहीं पाए जाते क्योंकि परिक्रमा के वक्त चांद अपनी दूरी पर 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक झुकी होती है। इस वजह से दो बातें होती हैं, एक तो चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलते, और दूसरी बात ये कि चांद के ध्रुव पर कई ऐसे इलाके हैं जहां कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की मौजूदगी न होने से वहां उल्कापिंड जैसे खतरे का बहुत ज्यादा डर बना रहता है। सूर्य के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट है तो वो है चांद। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो वो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा से देखने पर ऐसा नहीं होता। वहां से आसमान हमें ब्लैक नजर आता है। पृथ्वी पर समुद्र में ज्वारभाटा भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आते हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अगर चंद्रमा गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन मात्र 6 घंटे का रह जाएगा। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता है और सूर्य और पृथ्वी के बीच होकर से गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, तब उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, चांद पर पानी को भारत ने ही खोज निकाला था। भारत के कई वैज्ञानिकों ने कहा था कि चांद पर पानी मौजूद है, मगर किसी ने भी नहीं खोजा। दोस्तों, अगर जो आप अब वीडियो देख रहे हैं और वो अटक अटक कर चल रही है तो आप चांद पर जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है, जो कि 19 Mbps तक की इंटरनेट स्पीड देती है। पृथ्वी से जो गोल चांद दिखाई देता है असल में वो गोल नहीं है बल्कि अंडाकार का है। चांद हमारी धरती से हर साल 1.5 सेंटीमीटर दूर खिसकता जा रहा है। इसका पता तब चला जब वैज्ञानिकों ने इस पर 18 इंच की एक परावर्तक चादर लगाई गई, जिस पर लेजर होकर वापस आने पर वैज्ञानिकों के सामने ये नतीजा निकला। और इस तरह 5 अरब साल बाद चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 47 दिन लगेंगे। पृथ्वी से देखने पर जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं असल में वो काले धब्बे नहीं है बल्कि गड्ढे और क्रिएटर है, जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचने की वजह से वो धब्बे नजर आते हैं। क्या हम इंसान एक बार फिर से चांद की दुनिया पर कदम रख पाएंगे? इस बात का जवाब मुझे हाँ देने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि ये तो भविष्य की बात है। 1950 के दशक में कौन जानता था कि हम अगले 20 सालों के अंदर ही चांद पर कदम रखेंगे। वैज्ञानिकों की नजरिए से देखा जाए तो चांद बड़ा ही मनमोहक और दिलचस्प है। वैसे तो हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि अरबों साल पहले कुदरती उथल पुथल से धरती से जो चट्टाने टुकड़े निकले थे उन्हीं से चांद बना है, और इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है कि चांद पर जाना बहुत खर्चीला है। अनुमानित लागत लगभग $35 अरब है। वैसे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इंसान वहां जाने के बाद वहीं मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करने लगेगा, तो लंबे समय में पैसों की बचत भी होगी। हमें इस बात का पता है कि चांद पर बड़ी मात्रा में बर्फीला पानी है और चट्टानों में ऑक्सीजन कैद है, इसलिए चांद के भावी नागरिकों के लिए हवा और पानी की जरूरतें पूरी की जा सकती है। मगर दोस्तों, इस बात को पक्की पुष्टि के साथ नहीं कहा जा सकता। चांद पर जाने की अन्य वजह यह है कि वहां हीलियम से बड़ी सस्ती ऊर्जा के दोहन की क्षमता है। इसके साथ पर्यटन की संभावना तो है ही। सूर्य का चक्कर लगाते हुए मंगल और पृथ्वी के बीच अरबों उल्कापिंड घूम रहे हैं।
कई ऐसी चट्टानें चक्कर लगा रही हैं जिनका आकार फुटबॉल के बराबर है और इससे कई गुना ज्यादा बड़ा भी। इसमें ज्यादातर चट्टानों में पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कई तरह के मूल्यवान धातु मौजूद है। उल्कापिंडों से काम की चीज कैसे निकाली जाए, इस पर अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस पर अध्ययन कर रही है। दोस्तों, बस्तियां बनाने के लिए हम चांद पर ही क्यों जाएं? क्योंकि हम पहले भी चांद पर 6 बार जा चुके हैं। अपोलो 17 मिशन सबसे अधिक 3 दिनों तक चांद पर मौजूद था। यहाँ की 3.8 करोड़ वर्ग जमीन है जहाँ पर इमारतें बनाई जा सकती है। वैसे दोस्तों, आज के टाइम में इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप इस बात से क्या सोचते हैं? क्या हम भविष्य में कभी चांद पर बस्तियां बना पाएंगे, या चांद से पहले हम किसी और अन्य ग्रह पर जीवन पैदा करने में सफल हो जाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चांद हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी के नजदीक दिखने वाला यह चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चांद पर सबसे पहले मनुष्य ने 20 जुलाई 1970 को अपना पहला कदम रखा था और हमने ये साबित कर दिखाया था कि अब हम केवल एक दुनिया तक ही सीमित नहीं है। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रांग था। वैज्ञानिकों ने चांद की खोज और इसके बारे में जानकारी हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर दोस्तों, आपके दिमाग में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि चंद्रमा की दुनिया कैसी है? क्या चांद पर इंसान जिंदा रह सकता है? क्या वहां पर आने वाले टाइम में जीवन संभव हो सकता है? आखिर वह कौन सी वजह है जो वैज्ञानिक चांद पर नहीं जा रहे? तो चलिए दोस्तों, आज चांद के बारे में आपके दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं उनका बड़े ही सटीक तरीके से जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। हम आपको यहां पर ऐसे ऐसे रहस्य से परिचय कराते हैं जो दुनिया में शायद कम ही लोगों को पता होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चांद की उत्पत्ति से शुरुआत करते हैं। आखिर पृथ्वी के पास चांद कहां से आया था? समय था आज से करीब 4.5 अरब साल पहले का। उस वक्त पृथ्वी को बने काफी टाइम नहीं हुआ था। तब हमारी पृथ्वी के साथ ऐसी घटना घटी जिसने काफी हद तक पृथ्वी को बदलकर रख दिया। उस समय अंतरिक्ष का एक हमलावर पृथ्वी को खत्म करने की फिराक में था। उसका आकार मंगल ग्रह जितना था और वो 15 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। इतनी तेज रफ्तार के साथ थेया नाम का एक उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा जाता है। इस पिंड के टक्कर की वजह से हल्के पदार्थों से बने टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए। बाद में ग्रेविटी की मदद से इकट्ठा होकर उन्होंने एक पिंड का निर्माण किया और वो पिंड कोई और नहीं बल्कि हमारा चांद था। तो दोस्तों, कुछ इस तरह हमारा चांद पृथ्वी के पास आया। चांद का व्यास 34 से 74 किलोमीटर है और यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। धरती की तुलना से चांद का आकार 27% है, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर तकरीबन 9 चांद आराम से समा सकते हैं। अब आ जाते हैं चंद्रमा की जमीन पर। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको उसकी जमीन उबड़ खाबड़ नजर आएगी और चांद की जमीन काफी क्रेटर यानी गड्ढों से भरी है। दोस्तों, चांद की जमीन को सबसे पहले 1959 में टच किया गया था। 13 सितंबर 1959 को सोवियत संघ ने मून मिशन लूना 2 ने पहली बार कोई मानव निर्मित यंत्र चांद की जमीन पर भेजा था। इसके बाद अमेरिका का अपोलो 11 ऐसा पहला मून मिशन था जिसमें एस्ट्रोनॉट समेत स्पेस क्राफ्ट ने चांद की जमीन पर कदम रखा। तारीख थी 20 जुलाई 1970। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांग थी। इसके बाद कई मानव मिशनों को अंजाम दिया गया। दिसंबर 1970 के बाद चांद पर कोई भी इंसान नहीं गया है। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी अपने अक्ष पर साफ साफ घूमती नजर आएगी। लेकिन आसमान में इसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेगी, अर्थात पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी कि चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। पृथ्वी पर हमारा वजन 60 किलो है तो चांद की सरफेस पर हमारा वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। इसी कारण नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर चल रहे थे तो उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों के छाप आज भी मौजूद है, क्योंकि वहां कोई हवा न होने की वजह से वे निशान मिटते नहीं है। इसके साथ साथ चांद की जमीन पर कई सारे बैग्स पड़े हैं जो कि चांद पर गए अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे।
जिनमें उनके मलमूत्र और उल्टियां हैं। जब अंतरिक्ष यात्री का यान चांद की जमीन से उतरकर वापस आ रहा था तो वह अपने साथ चांद की जमीन से कुल मिलाकर 296 चट्टानों के टुकड़े साथ लेकर आए थे, जो वजन में लगभग 382 किलो वजनी थे, ताकि भविष्य में इन पर शोध करके चांद के बारे में और भी ज्यादा गहराई से जान सके। अब बात कर लेते हैं चांद पर दिन और रात की। चांद को पृथ्वी का चक्कर लगाने में करीब 27.3 दिन लगते हैं और इसे अपने अक्ष पर घूमने पर भी इतना ही समय लगता है। यही वजह है कि चांद पर एक बार हमें एक ही हिस्सा नजर आता है। लिहाजा चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत ज्यादा असर होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में लगभग 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थिति भी अलग अलग होती है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल सबसे ज्यादा ठंडा होता है। रात में तो वहाँ इतनी ठंड होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही वहाँ हालात में जी पाए। बस्तियाँ बनाने की तो बात बहुत दूर है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद में साउथ पोल के तापमान दिन में भी ज्यादा नहीं होता, लेकिन रात में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। समय गुजरने के साथ ही यह गिर जाता है, हर ओर बर्फ जमने लगती है, ठंडे अधड़ चलते हैं। ये इस क्षेत्र में रहने की स्थिति को और भी भयानक बना देते हैं। इन्हीं भयानक स्थितियों के चलते चांद पर अब तक जितने भी मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाके में गए हैं। रात में जो चांद हमें चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद की खुद की रोशनी नहीं है। ये जो आपको चांद पर रोशनी नजर आती है वो सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन है। यानी कि हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी भी नजर नहीं आएगा। चांद पृथ्वी की तरफ घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा पृथ्वी से आज तक किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा है। मगर अंतरिक्ष यानों की सहायता से चांद के दूसरे हिस्से की तस्वीर हमने कैप्चर कर ली है। दोस्तों, चांद पर मौसम नहीं पाए जाते क्योंकि परिक्रमा के वक्त चांद अपनी दूरी पर 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक झुकी होती है। इस वजह से दो बातें होती हैं, एक तो चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलते और दूसरी बात ये कि चांद के ध्रुव पर कई ऐसे इलाके हैं जहां कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की मौजूदगी न होने से वहां उल्कापिंड जैसे खतरे का बहुत ज्यादा डर बना रहता है। सूर्य के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट है तो वो है चांद। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो वो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा से देखने पर ऐसा नहीं होता। वहां से आसमान हमें ब्लैक नजर आता है। पृथ्वी पर समुद्र में ज्वारभाटा भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आते हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अगर चंद्रमा गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन मात्र 6 घंटे का रह जाएगा। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता है और सूर्य और पृथ्वी के बीच होकर से गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, तब उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, चांद पर पानी को भारत ने ही खोज निकाला था। भारत के कई वैज्ञानिकों ने कहा था कि चांद पर पानी मौजूद है, मगर किसी ने भी नहीं खोजा। दोस्तों, अगर जो आप अब वीडियो देख रहे हैं और वो अटक अटक कर चल रही है तो आप चांद पर जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है, जो कि 19 Mbps तक की इंटरनेट स्पीड देती है। पृथ्वी से जो गोल चांद दिखाई देता है असल में वो गोल नहीं है बल्कि अंडाकार का है। चांद हमारी धरती से हर साल 1.5 सेंटीमीटर दूर खिसकता जा रहा है। इसका पता तब चला जब वैज्ञानिकों ने इस पर 18 इंच की एक परावर्त चादर लगाई गई, जिस पर लेजर होकर वापस आने पर वैज्ञानिकों के सामने ये नतीजा निकला। और इस तरह 5 अरब साल बाद चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 47 दिन लगेंगे। पृथ्वी से देखने पर जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं असल में वो काले धब्बे नहीं है बल्कि गड्ढे और क्रिएटर है, जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचने की वजह से वो धब्बे नजर आते हैं। क्या हम इंसान एक बार फिर से चांद की दुनिया पर कदम रख पाएंगे? इस बात का जवाब मुझे हाँ देने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि ये तो भविष्य की बात है। 1950 के दशक में कौन जानता था कि हम अगले 20 सालों के अंदर ही चांद पर कदम रखेंगे। वैज्ञानिकों की नजरिए से देखा जाए तो चांद बड़ा ही मनमोहक और दिलचस्प है। वैसे तो हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि अरबों साल पहले कुदरती उथल पुथल से धरती से जो चट्टाने टुकड़े निकले थे उन्हीं से चांद बना है, और इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है कि चांद पर जाना बहुत खर्चीला है। अनुमानित लागत लगभग $35 अरब है। वैसे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इंसान वहां जाने के बाद वहीं मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करने लगेगा।
तो लंबे समय में पैसों की बचत भी होगी। हमें इस बात का पता है कि चांद पर बड़ी मात्रा में बर्फीला पानी है और चट्टानों में ऑक्सीजन कैद है, इसलिए चांद के भावी नागरिकों के लिए हवा और पानी की जरूरतें पूरी की जा सकती है। मगर दोस्तों, इस बात को पक्की पुष्टि के साथ नहीं कहा जा सकता। चांद पर जाने की अन्य वजह यह है कि वहां हीलियम से बड़ी सस्ती ऊर्जा के दोहन की क्षमता है। इसके साथ पर्यटन की संभावना तो है ही। सूर्य का चक्कर लगाते हुए मंगल और पृथ्वी के बीच अरबों उल्कापिंड घूम रहे हैं। कई ऐसी चट्टानें चक्कर लगा रही हैं जिनका आकार फुटबॉल के बराबर है और इससे कई गुना ज्यादा बड़ा भी। इसमें ज्यादातर चट्टानों में पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कई तरह के मूल्यवान धातु मौजूद है। उल्कापिंडों से काम की चीज कैसे निकाली जाए, इस पर अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस पर अध्ययन कर रही है। दोस्तों, बस्तियां बनाने के लिए हम चांद पर ही क्यों जाएं? क्योंकि हम पहले भी चांद पर 6 बार जा चुके हैं। अपोलो 17 मिशन सबसे अधिक 3 दिनों तक चांद पर मौजूद था। यहाँ की 3.8 करोड़ वर्ग जमीन है जहाँ पर इमारतें बनाई जा सकती है। वैसे दोस्तों, आज के टाइम में इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप इस बात से क्या सोचते हैं? क्या हम भविष्य में कभी चांद पर बस्तियां बना पाएंगे, या चांद से पहले हम किसी और अन्य ग्रह पर जीवन पैदा करने में सफल हो जाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चांद हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी के नजदीक दिखने वाला यह चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चांद पर सबसे पहले मनुष्य ने 20 जुलाई 1970 को अपना पहला कदम रखा था और हमने ये साबित कर दिखाया था कि अब हम केवल एक दुनिया तक ही सीमित नहीं है। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रांग था। वैज्ञानिकों ने चांद की खोज और इसके बारे में जानकारी हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर दोस्तों, आपके दिमाग में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि चंद्रमा की दुनिया कैसी है? क्या चांद पर इंसान जिंदा रह सकता है? क्या वहां पर आने वाले टाइम में जीवन संभव हो सकता है? आखिर वह कौन सी वजह है जो वैज्ञानिक चांद पर नहीं जा रहे? तो चलिए दोस्तों, आज चांद के बारे में आपके दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं उनका बड़े ही सटीक तरीके से जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। हम आपको यहां पर ऐसे ऐसे रहस्य से परिचय कराते हैं जो दुनिया में शायद कम ही लोगों को पता होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चांद की उत्पत्ति से शुरुआत करते हैं। आखिर पृथ्वी के पास चांद कहां से आया था? समय था आज से करीब 4.5 अरब साल पहले का। उस वक्त पृथ्वी को बने काफी टाइम नहीं हुआ था। तब हमारी पृथ्वी के साथ ऐसी घटना घटी जिसने काफी हद तक पृथ्वी को बदल कर रख दिया। उस समय अंतरिक्ष का एक हमलावर पृथ्वी को खत्म करने की फिराक में था। उसका आकार मंगल ग्रह जितना था और वो 15 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। इतनी तेज रफ्तार के साथ थेया नाम का एक उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा जाता है। इस पिंड के टक्कर की वजह से हल्के पदार्थों से बने टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए। बाद में ग्रेविटी की मदद से इकट्ठा होकर उन्होंने एक पिंड का निर्माण किया और वो पिंड कोई और नहीं बल्कि हमारा चांद था। तो दोस्तों, कुछ इस तरह हमारा चांद पृथ्वी के पास आया। चांद का व्यास 34 से 74 किलोमीटर है और यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। धरती की तुलना से चांद का आकार 27% है, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर तकरीबन 9 चांद आराम से समा सकते हैं। अब आ जाते हैं चंद्रमा की जमीन पर। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको उसकी जमीन उबड़ खाबड़ नजर आएगी और चांद की जमीन काफी क्रेटर यानी गड्ढों से भरी है। दोस्तों, चांद की जमीन को सबसे पहले 1959 में टच किया गया था। 13 सितंबर 1959 को सोवियत संघ ने मून मिशन लूना 2 ने पहली बार कोई मानव निर्मित यंत्र चांद की जमीन पर भेजा था। इसके बाद अमेरिका का अपोलो 11 ऐसा पहला मून मिशन था जिसमें एस्ट्रोनॉट समेत स्पेस क्राफ्ट ने चांद की जमीन पर कदम रखा। तारीख थी 20 जुलाई 1970। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांग थी। इसके बाद कई मानव मिशनों को अंजाम दिया गया। दिसंबर 1970 के बाद चांद पर कोई भी इंसान नहीं गया है। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी अपने अक्ष पर साफ साफ घूमती नजर आएगी। लेकिन आसमान में इसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेगी, अर्थात पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी कि चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा।
पृथ्वी पर हमारा वजन 60 किलो है तो चांद की सरफेस पर हमारा वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। इसी कारण नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर चल रहे थे तो उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों के छाप आज भी मौजूद है, क्योंकि वहां कोई हवा न होने की वजह से वे निशान मिटते नहीं है। इसके साथ साथ चांद की जमीन पर कई सारे बैग्स पड़े हैं जो कि चांद पर गए अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे, जिनमें उनके मलमूत्र और उल्टियां हैं। जब अंतरिक्ष यात्री का यान चांद की जमीन से उतरकर वापस आ रहा था तो वह अपने साथ चांद की जमीन से कुल मिलाकर 296 चट्टानों के टुकड़े साथ लेकर आए थे, जो वजन में लगभग 382 किलो वजनी थे, ताकि भविष्य में इन पर शोध करके चांद के बारे में और भी ज्यादा गहराई से जान सके। अब बात कर लेते हैं चांद पर दिन और रात की। चांद को पृथ्वी का चक्कर लगाने में करीब 27.3 दिन लगते हैं और इसे अपने अक्ष पर घूमने पर भी इतना ही समय लगता है। यही वजह है कि चांद पर एक बार हमें एक ही हिस्सा नजर आता है। लिहाजा चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत ज्यादा असर होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में लगभग 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थिति भी अलग अलग होती है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल सबसे ज्यादा ठंडा होता है। रात में तो वहाँ इतनी ठंड होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही वहाँ हालात में जी पाए। बस्तियाँ बनाने की तो बात बहुत दूर है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद में साउथ पोल के तापमान दिन में भी ज्यादा नहीं होता, लेकिन रात में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। समय गुजरने के साथ यह गिर जाता है, हर ओर बर्फ जमने लगती है, ठंडे अधड़ चलते हैं। ये इस क्षेत्र में रहने की स्थिति को और भी भयानक बना देते हैं। इन्हीं भयानक स्थितियों के चलते चांद पर अब तक जितने भी मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाके में गए हैं। रात में जो चांद हमें चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद की खुद की रोशनी नहीं है। ये जो आपको चांद पर रोशनी नजर आती है वो सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन है। यानी कि हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी भी नजर नहीं आएगा। चांद पृथ्वी की तरफ घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा पृथ्वी से आज तक किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा है। मगर अंतरिक्ष यानों की सहायता से चांद के दूसरे हिस्से की तस्वीर हमने कैप्चर कर ली है। दोस्तों चांद पर मौसम नहीं पाए जाते, क्योंकि परिक्रमा के वक्त चांद अपनी दूरी पर 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक झुकी होती है। इस वजह से दो बातें होती हैं, एक तो चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलते, और दूसरी बात ये कि चांद के ध्रुव पर कई ऐसे इलाके हैं जहां कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की मौजूदगी न होने से वहां उल्कापिंड जैसे खतरे का बहुत ज्यादा डर बना रहता है। सूर्य के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट है तो वो है चांद। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो वो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा से देखने पर ऐसा नहीं होता। वहां से आसमान हमें ब्लैक नजर आता है। पृथ्वी पर समुद्र में ज्वारभाटा भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आते हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अगर चंद्रमा गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन मात्र 6 घंटे का रह जाएगा। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता है और सूर्य और पृथ्वी के बीच होकर से गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, तब उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों चांद पर पानी को भारत ने ही खोज निकाला था। भारत के कई वैज्ञानिकों ने कहा था कि चांद पर पानी मौजूद है, मगर किसी ने भी नहीं खोजा। दोस्तों अगर जो आप अब वीडियो देख रहे हैं और वो अटक अटक कर चल रही है तो आप चांद पर जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है, जो कि 19 Mbps तक की इंटरनेट स्पीड देती है। पृथ्वी से जो गोल चांद दिखाई देता है असल में वो गोल नहीं है बल्कि अंडाकार का है। चांद हमारी धरती से हर साल 1.5 सेंटीमीटर दूर खिसकता जा रहा है। इसका पता तब चला जब वैज्ञानिकों ने इस पर 18 इंच की एक परावर्त चादर लगाई गई, जिस पर लेजर होकर वापस आने पर वैज्ञानिकों के सामने ये नतीजा निकला। और इस तरह 5 अरब साल बाद चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 47 दिन लगेंगे। पृथ्वी से देखने पर जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं असल में वो काले धब्बे नहीं है बल्कि गड्ढे और क्रिएटर है, जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचने की वजह से वो धब्बे नजर आते हैं। क्या हम इंसान एक बार फिर से चांद की दुनिया पर कदम रख पाएंगे? इस बात का जवाब मुझे हाँ देने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि ये तो भविष्य की बात है।
1950 के दशक में कौन जानता था कि हम अगले 20 सालों के अंदर ही चांद पर कदम रखेंगे। वैज्ञानिकों की नजरिए से देखा जाए तो चांद बड़ा ही मनमोहक और दिलचस्प है। वैसे तो हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि अरबों साल पहले कुदरती उथल पुथल से धरती से जो चट्टाने टुकड़े निकले थे उन्हीं से चांद बना है, और इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है कि चांद पर जाना बहुत खर्चीला है। अनुमानित लागत लगभग $35 अरब है। वैसे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इंसान वहां जाने के बाद वहीं मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करने लगेगा, तो लंबे समय में पैसों की बचत भी होगी। हमें इस बात का पता है कि चांद पर बड़ी मात्रा में बर्फीला पानी है और चट्टानों में ऑक्सीजन कैद है, इसलिए चांद के भावी नागरिकों के लिए हवा और पानी की जरूरतें पूरी की जा सकती है। मगर दोस्तों, इस बात को पक्की पुष्टि के साथ नहीं कहा जा सकता। चांद पर जाने की अन्य वजह यह है कि वहां हीलियम से बड़ी सस्ती ऊर्जा के दोहन की क्षमता है। इसके साथ पर्यटन की संभावना तो है ही। सूर्य का चक्कर लगाते हुए मंगल और पृथ्वी के बीच अरबों उल्कापिंड घूम रहे हैं। कई ऐसी चट्टानें चक्कर लगा रही हैं जिनका आकार फुटबॉल के बराबर है और इससे कई गुना ज्यादा बड़ा भी। इसमें ज्यादातर चट्टानों में पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कई तरह के मूल्यवान धातु मौजूद है। उल्कापिंडों से काम की चीज कैसे निकाली जाए, इस पर अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस पर अध्ययन कर रही है। दोस्तों, बस्तियां बनाने के लिए हम चांद पर ही क्यों जाएं? क्योंकि हम पहले भी चांद पर 6 बार जा चुके हैं। अपोलो 17 मिशन सबसे अधिक 3 दिनों तक चांद पर मौजूद था। यहाँ की 3.8 करोड़ वर्ग जमीन है जहाँ पर इमारतें बनाई जा सकती है। वैसे दोस्तों, आज के टाइम में इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप इस बात से क्या सोचते हैं? क्या हम भविष्य में कभी चांद पर बस्तियां बना पाएंगे, या चांद से पहले हम किसी और अन्य ग्रह पर जीवन पैदा करने में सफल हो जाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चांद हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी के नजदीक दिखने वाला यह चांद हमसे 384,000 किलोमीटर दूर है। चांद पर सबसे पहले मनुष्य ने 20 जुलाई 1970 को अपना पहला कदम रखा था और हमने ये साबित कर दिखाया था कि अब हम केवल एक दुनिया तक ही सीमित नहीं है। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रांग था। वैज्ञानिकों ने चांद की खोज और इसके बारे में जानकारी हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर दोस्तों, आपके दिमाग में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि चंद्रमा की दुनिया कैसी है? क्या चांद पर इंसान जिंदा रह सकता है? क्या वहां पर आने वाले टाइम में जीवन संभव हो सकता है? आखिर वह कौन सी वजह है जो वैज्ञानिक चांद पर नहीं जा रहे? तो चलिए दोस्तों, आज चांद के बारे में आपके दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं उनका बड़े ही सटीक तरीके से जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। हम आपको यहां पर ऐसे ऐसे रहस्य से परिचय कराते हैं जो दुनिया में शायद कम ही लोगों को पता होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चांद की उत्पत्ति से शुरुआत करते हैं। आखिर पृथ्वी के पास चांद कहां से आया था? समय था आज से करीब 4.5 अरब साल पहले का। उस वक्त पृथ्वी को बने काफी टाइम नहीं हुआ था। तब हमारी पृथ्वी के साथ ऐसी घटना घटी जिसने काफी हद तक पृथ्वी को बदल कर रख दिया। उस समय अंतरिक्ष का एक हमलावर पृथ्वी को खत्म करने की फिराक में था। उसका आकार मंगल ग्रह जितना था और वो 15 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। इतनी तेज रफ्तार के साथ थेया नाम का एक उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा जाता है। इस पिंड के टक्कर की वजह से हल्के पदार्थों से बने टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए। बाद में ग्रेविटी की मदद से इकट्ठा होकर उन्होंने एक पिंड का निर्माण किया और वो पिंड कोई और नहीं बल्कि हमारा चांद था। तो दोस्तों, कुछ इस तरह हमारा चांद पृथ्वी के पास आया। चांद का व्यास 34 से 74 किलोमीटर है और यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। धरती की तुलना से चांद का आकार 27% है, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर तकरीबन 9 चांद आराम से समा सकते हैं। अब आ जाते हैं चंद्रमा की जमीन पर। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको उसकी जमीन उबड़ खाबड़ नजर आएगी और चांद की जमीन काफी क्रेटर यानी गड्ढों से भरी है। दोस्तों, चांद की जमीन को सबसे पहले 1959 में टच किया गया था। 13 सितंबर 1959 को सोवियत संघ ने मून मिशन लूना 2 ने पहली बार कोई मानव निर्मित यंत्र चांद की जमीन पर भेजा था। इसके बाद अमेरिका का अपोलो 11 ऐसा पहला मून मिशन था जिसमें एस्ट्रोनॉट समेत स्पेस क्राफ्ट ने चांद की जमीन पर कदम रखा।
तारीख थी 20 जुलाई 1970। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांग थी। इसके बाद कई मानव मिशनों को अंजाम दिया गया। दिसंबर 1970 के बाद चांद पर कोई भी इंसान नहीं गया है। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी अपने अक्ष पर साफ साफ घूमती नजर आएगी। लेकिन आसमान में इसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेगी, अर्थात पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी कि चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। पृथ्वी पर हमारा वजन 60 किलो है तो चांद की सरफेस पर हमारा वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। इसी कारण नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर चल रहे थे तो उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों के छाप आज भी मौजूद है, क्योंकि वहां कोई हवा न होने की वजह से वे निशान मिटते नहीं है। इसके साथ साथ चांद की जमीन पर कई सारे बैग्स पड़े हैं जो कि चांद पर गए अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे, जिनमें उनके मलमूत्र और उल्टियां हैं। जब अंतरिक्ष यात्री का यान चांद की जमीन से उतरकर वापस आ रहा था तो वह अपने साथ चांद की जमीन से कुल मिलाकर 296 चट्टानों के टुकड़े साथ लेकर आए थे, जो वजन में लगभग 382 किलो वजनी थे, ताकि भविष्य में इन पर शोध करके चांद के बारे में और भी ज्यादा गहराई से जान सके। अब बात कर लेते हैं चांद पर दिन और रात की। चांद को पृथ्वी का चक्कर लगाने में करीब 27.3 दिन लगते हैं और इसे अपने अक्ष पर घूमने पर भी इतना ही समय लगता है। यही वजह है कि चांद पर एक बार हमें एक ही हिस्सा नजर आता है। लिहाजा चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत ज्यादा असर होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में लगभग 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थिति भी अलग अलग होती है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल सबसे ज्यादा ठंडा होता है। रात में तो वहाँ इतनी ठंड होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही वहाँ हालात में जी पाए। बस्तियाँ बनाने की तो बात बहुत दूर है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद में साउथ पोल के तापमान दिन में भी ज्यादा नहीं होता, लेकिन रात में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। समय गुजरने के साथ यह गिर जाता है, हर ओर बर्फ जमने लगती है, ठंडे अधड़ चलते हैं। ये इस क्षेत्र में रहने की स्थिति को और भी भयानक बना देते हैं। इन्हीं भयानक स्थितियों के चलते चांद पर अब तक जितने भी मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाके में गए हैं। रात में जो चांद हमें चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद की खुद की रोशनी नहीं है। ये जो आपको चांद पर रोशनी नजर आती है वो सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन है, यानी कि हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी भी नजर नहीं आएगा। चांद पृथ्वी की तरफ घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा पृथ्वी से आज तक किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा है, मगर अंतरिक्ष यानों की सहायता से चांद के दूसरे हिस्से की तस्वीर हमने कैप्चर कर ली है। दोस्तों चांद पर मौसम नहीं पाए जाते, क्योंकि परिक्रमा के वक्त चांद अपनी दूरी पर 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक झुकी होती है। इस वजह से दो बातें होती हैं, एक तो चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलते, और दूसरी बात ये कि चांद के ध्रुव पर कई ऐसे इलाके हैं जहां कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की मौजूदगी न होने से वहां उल्कापिंड जैसे खतरे का बहुत ज्यादा डर बना रहता है। सूर्य के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट है तो वो है चांद। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो वो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा से देखने पर ऐसा नहीं होता। वहां से आसमान हमें ब्लैक नजर आता है। पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आते हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अगर चंद्रमा गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन मात्र 6 घंटे का रह जाएगा। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता है और सूर्य और पृथ्वी के बीच होकर से गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, तब उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों चांद पर पानी को भारत ने ही खोज निकाला था। भारत के कई वैज्ञानिकों ने कहा था कि चांद पर पानी मौजूद है, मगर किसी ने भी नहीं खोजा। दोस्तों अगर जो आप अब वीडियो देख रहे हैं और वो अटक अटक कर चल रही है तो आप चांद पर जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है, जो कि 19 Mbps तक की इंटरनेट स्पीड देती है। पृथ्वी से जो गोल चांद दिखाई देता है असल में वो गोल नहीं है बल्कि अंडाकार का है। चांद हमारी धरती से हर साल 1.5 सेंटीमीटर दूर खिसकता जा रहा है।
इसका पता तब चला जब वैज्ञानिकों ने इस पर 18 इंच की एक परावर्त चादर लगाई गई, जिस पर लेजर होकर वापस आने पर वैज्ञानिकों के सामने ये नतीजा निकला। और इस तरह 5 अरब साल बाद चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 47 दिन लगेंगे। पृथ्वी से देखने पर जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में वो काले धब्बे नहीं हैं, बल्कि गड्ढे और क्रिएटर हैं, जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचने की वजह से वो धब्बे नजर आते हैं। क्या हम इंसान एक बार फिर से चांद की दुनिया पर कदम रख पाएंगे? इस बात का जवाब मुझे हाँ देने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि ये तो भविष्य की बात है। 1950 के दशक में कौन जानता था कि हम अगले 20 सालों के अंदर ही चांद पर कदम रखेंगे। वैज्ञानिकों के नजरिए से देखा जाए तो चांद बड़ा ही मनमोहक और दिलचस्प है। वैसे तो हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि अरबों साल पहले कुदरती उथल पुथल से धरती से जो चट्टाने टुकड़े निकले थे, उन्हीं से चांद बना है। और इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है कि चांद पर जाना बहुत खर्चीला है। अनुमानित लागत लगभग $35 अरब है। वैसे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इंसान वहां जाने के बाद वहीं मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करने लगेगा, तो लंबे समय में पैसों की बचत भी होगी। हमें इस बात का पता है कि चांद पर बड़ी मात्रा में बर्फीला पानी है और चट्टानों में ऑक्सीजन कैद है, इसलिए चांद के भावी नागरिकों के लिए हवा और पानी की जरूरतें पूरी की जा सकती है। मगर दोस्तों, इस बात को पक्की पुष्टि के साथ नहीं कहा जा सकता। चांद पर जाने की अन्य वजह यह है कि वहां हीलियम से बड़ी सस्ती ऊर्जा के दोहन की क्षमता है। इसके साथ पर्यटन की संभावना तो है ही। सूर्य का चक्कर लगाते हुए मंगल और पृथ्वी के बीच अरबों उल्कापिंड घूम रहे हैं। कई ऐसी चट्टानें चक्कर लगा रही हैं जिनका आकार फुटबॉल के बराबर है और इससे कई गुना ज्यादा बड़ा भी। इसमें ज्यादातर चट्टानों में पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कई तरह के मूल्यवान धातु मौजूद है। उल्कापिंडों से काम की चीज कैसे निकाली जाए, इस पर अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस पर अध्ययन कर रही है। दोस्तों, बस्तियां बनाने के लिए हम चांद पर ही क्यों जाएं? क्योंकि हम पहले भी चांद पर 6 बार जा चुके हैं। अपोलो 17 मिशन सबसे अधिक 3 दिनों तक चांद पर मौजूद था। यहाँ की 3.8 करोड़ वर्ग जमीन है जहाँ पर इमारतें बनाई जा सकती है। वैसे दोस्तों, आज के टाइम में इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप इस बात से क्या सोचते हैं? क्या हम भविष्य में कभी चांद पर बस्तियां बना पाएंगे, या चांद से पहले हम किसी और अन्य ग्रह पर जीवन पैदा करने में सफल हो जाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चांद हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी के नजदीक दिखने वाला यह चांद हमसे 384,000 किलोमीटर दूर है। चांद पर सबसे पहले मनुष्य ने 20 जुलाई 1970 को अपना पहला कदम रखा था और हमने ये साबित कर दिखाया था कि अब हम केवल एक दुनिया तक ही सीमित नहीं है। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रांग था। वैज्ञानिकों ने चांद की खोज और इसके बारे में जानकारी हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर दोस्तों, आपके दिमाग में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि चंद्रमा की दुनिया कैसी है? क्या चांद पर इंसान जिंदा रह सकता है? क्या वहां पर आने वाले टाइम में जीवन संभव हो सकता है? आखिर वह कौन सी वजह है जो वैज्ञानिक चांद पर नहीं जा रहे? तो चलिए दोस्तों, आज चांद के बारे में आपके दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं, उनका बड़े ही सटीक तरीके से जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। हम आपको यहां पर ऐसे ऐसे रहस्य से परिचय कराते हैं जो दुनिया में शायद कम ही लोगों को पता होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चांद की उत्पत्ति से शुरुआत करते हैं। आखिर पृथ्वी के पास चांद कहां से आया था? समय था आज से करीब 4.5 अरब साल पहले का। उस वक्त पृथ्वी को बने काफी टाइम नहीं हुआ था। तब हमारी पृथ्वी के साथ ऐसी घटना घटी जिसने काफी हद तक पृथ्वी को बदल कर रख दिया। उस समय अंतरिक्ष का एक हमलावर पृथ्वी को खत्म करने की फिराक में था। उसका आकार मंगल ग्रह जितना था और वो 15 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। इतनी तेज रफ्तार के साथ थेया नाम का एक उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा जाता है। इस पिंड के टक्कर की वजह से हल्के पदार्थों से बने टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए। बाद में ग्रेविटी की मदद से इकट्ठा होकर उन्होंने एक पिंड का निर्माण किया और वो पिंड कोई और नहीं बल्कि हमारा चांद था। तो दोस्तों, कुछ इस तरह हमारा चांद पृथ्वी के पास आया। चांद का व्यास 34 से 74 किलोमीटर है और यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। धरती की तुलना से चांद का आकार 27% है, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर तकरीबन 9 चांद आराम से समा सकते हैं।
अब आ जाते हैं चंद्रमा की जमीन पर। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको उसकी जमीन उबड़ खाबड़ नजर आएगी और चांद की जमीन काफी क्रेटर यानी गड्ढों से भरी है। दोस्तों चांद की जमीन को सबसे पहले 1959 में टच किया गया था। 13 सितंबर 1959 को सोवियत संघ ने मून मिशन लूना 2 ने पहली बार कोई मानव निर्मित यंत्र चांद की जमीन पर भेजा था। इसके बाद अमेरिका का अपोलो 11 ऐसा पहला मून मिशन था जिसमें एस्ट्रोनॉट समेत स्पेस क्राफ्ट ने चांद की जमीन पर कदम रखा। तारीख थी 20 जुलाई 1970। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांग थी। इसके बाद कई मानव मिशनों को अंजाम दिया गया। दिसंबर 1970 के बाद चांद पर कोई भी इंसान नहीं गया है। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी अपने अक्ष पर साफ साफ घूमती नजर आएगी। लेकिन आसमान में इसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेगी, अर्थात पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी कि चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। पृथ्वी पर हमारा वजन 60 किलो है तो चांद की सरफेस पर हमारा वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। इसी कारण नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर चल रहे थे तो उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों के छाप आज भी मौजूद है, क्योंकि वहां कोई हवा न होने की वजह से वे निशान मिटते नहीं है। इसके साथ साथ चांद की जमीन पर कई सारे बैग्स पड़े हैं जो कि चांद पर गए अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे, जिनमें उनके मलमूत्र और उल्टियां हैं। जब अंतरिक्ष यात्री का यान चांद की जमीन से उतरकर वापस आ रहा था तो वह अपने साथ चांद की जमीन से कुल मिलाकर 296 चट्टानों के टुकड़े साथ लेकर आए थे, जो वजन में लगभग 382 किलो वजनी थे, ताकि भविष्य में इन पर शोध करके चांद के बारे में और भी ज्यादा गहराई से जान सके। अब बात कर लेते हैं चांद पर दिन और रात की। चांद को पृथ्वी का चक्कर लगाने में करीब 27.3 दिन लगते हैं और इसे अपने अक्ष पर घूमने पर भी इतना ही समय लगता है। यही वजह है कि चांद पर एक बार हमें एक ही हिस्सा नजर आता है। लिहाजा चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत ज्यादा असर होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में लगभग 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थिति भी अलग अलग होती है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल सबसे ज्यादा ठंडा होता है। रात में तो वहाँ इतनी ठंड होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही वहाँ हालात में जी पाए। बस्तियाँ बनाने की तो बात बहुत दूर है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद में साउथ पोल के तापमान दिन में भी ज्यादा नहीं होता, लेकिन रात में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। समय गुजरने के साथ यह गिर जाता है, हर ओर बर्फ जमने लगती है, ठंडे अधड़ चलते हैं। ये इस क्षेत्र में रहने की स्थिति को और भी भयानक बना देते हैं। इन्हीं भयानक स्थितियों के चलते चांद पर अब तक जितने भी मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाके में गए हैं। रात में जो चांद हमें चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद की खुद की रोशनी नहीं है। ये जो आपको चांद पर रोशनी नजर आती है वो सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन है, यानी कि हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी भी नजर नहीं आएगा। चांद पृथ्वी की तरफ घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा पृथ्वी से आज तक किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा है, मगर अंतरिक्ष यानों की सहायता से चांद के दूसरे हिस्से की तस्वीर हमने कैप्चर कर ली है। दोस्तों चांद पर मौसम नहीं पाए जाते, क्योंकि परिक्रमा के वक्त चांद अपनी दूरी पर 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक झुकी होती है। इस वजह से दो बातें होती हैं, एक तो चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलते और दूसरी बात ये कि चांद के ध्रुव पर कई ऐसे इलाके हैं जहां कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की मौजूदगी न होने से वहां उल्कापिंड जैसे खतरे का बहुत ज्यादा डर बना रहता है। सूर्य के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट है तो वो है चांद। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो वो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा से देखने पर ऐसा नहीं होता। वहां से आसमान हमें ब्लैक नजर आता है। पृथ्वी पर समुद्र में ज्वारभाटा भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आते हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अगर चंद्रमा गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन मात्र 6 घंटे का रह जाएगा। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता है और सूर्य और पृथ्वी के बीच होकर से गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, तब उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं।
दोस्तों चांद पर पानी को भारत ने ही खोज निकाला था। भारत के कई वैज्ञानिकों ने कहा था कि चांद पर पानी मौजूद है, मगर किसी ने भी नहीं खोजा। दोस्तों अगर जो आप अब वीडियो देख रहे हैं और वो अटक अटक कर चल रही है, तो आप चांद पर जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है, जो कि 19 Mbps तक की इंटरनेट स्पीड देती है। पृथ्वी से जो गोल चांद दिखाई देता है, असल में वो गोल नहीं है बल्कि अंडाकार का है। चांद हमारी धरती से हर साल 1.5 सेंटीमीटर दूर खिसकता जा रहा है। इसका पता तब चला जब वैज्ञानिकों ने इस पर 18 इंच की एक परावर्त चादर लगाई गई, जिस पर लेजर होकर वापस आने पर वैज्ञानिकों के सामने ये नतीजा निकला। और इस तरह 5 अरब साल बाद चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 47 दिन लगेंगे। पृथ्वी से देखने पर जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में वो काले धब्बे नहीं है बल्कि गड्ढे और क्रिएटर है, जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचने की वजह से वो धब्बे नजर आते हैं। क्या हम इंसान एक बार फिर से चांद की दुनिया पर कदम रख पाएंगे? इस बात का जवाब मुझे हाँ देने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि ये तो भविष्य की बात है। 1950 के दशक में कौन जानता था कि हम अगले 20 सालों के अंदर ही चांद पर कदम रखेंगे। वैज्ञानिकों की नजरिए से देखा जाए तो चांद बड़ा ही मनमोहक और दिलचस्प है। वैसे तो हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि अरबों साल पहले कुदरती उथल पुथल से धरती से जो चट्टाने टुकड़े निकले थे, उन्हीं से चांद बना है। और इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है कि चांद पर जाना बहुत खर्चीला है। अनुमानित लागत लगभग 35 अरब डॉलर है। वैसे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इंसान वहां जाने के बाद वहीं मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करने लगेगा, तो लंबे समय में पैसों की बचत भी होगी। हमें इस बात का पता है कि चांद पर बड़ी मात्रा में बर्फीला पानी है और चट्टानों में ऑक्सीजन कैद है, इसलिए चांद के भावी नागरिकों के लिए हवा और पानी की जरूरतें पूरी की जा सकती है। मगर दोस्तों इस बात को पक्की पुष्टि के साथ नहीं कहा जा सकता। चांद पर जाने की अन्य वजह यह है कि वहां हीलियम से बड़ी सस्ती ऊर्जा के दोहन की क्षमता है। इसके साथ पर्यटन की संभावना तो है ही। सूर्य का चक्कर लगाते हुए मंगल और पृथ्वी के बीच अरबों उल्कापिंड घूम रहे हैं। कई ऐसी चट्टानें चक्कर लगा रही हैं जिनका आकार फुटबॉल के बराबर है और इससे कई गुना ज्यादा बड़ा भी। इसमें ज्यादातर चट्टानों में पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कई तरह के मूल्यवान धातु मौजूद है। उल्कापिंडों से काम की चीज कैसे निकाली जाए, इस पर अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस पर अध्ययन कर रही है। दोस्तों बस्तियां बनाने के लिए हम चांद पर ही क्यों जाएं? क्योंकि हम पहले भी चांद पर 6 बार जा चुके हैं। अपोलो 17 मिशन सबसे अधिक 3 दिनों तक चांद पर मौजूद था। यहाँ की 3.8 करोड़ वर्ग जमीन है जहाँ पर इमारतें बनाई जा सकती है। वैसे दोस्तों आज के टाइम में इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप इस बात से क्या सोचते हैं? क्या हम भविष्य में कभी चांद पर बस्तियां बना पाएंगे, या चांद से पहले हम किसी और अन्य ग्रह पर जीवन पैदा करने में सफल हो जाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।